यस स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी सीरीज। सिक्योरिटी सीरीज मींस एपी जीपी एचपी स्पेशल सीरीज और प्रोग्रेशन इन एनडीए एनए प्रीवियस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्जेब्रा का। एवरी ईयर 4 to 6-7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी पार्ट क्लियर है, तो आप कई क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। स्कोर 250 प्लस करना है तो एक बात हमेशा याद रखें कि कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, थ्योरी पे बहुत स्ट्रांग कमांड होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग सिक्योरिटी सीरीज मैं बोलूंगा जो मैंने थ्योरी पार्ट आपको पढ़ाया हुआ है उसको कंप्लीट कवर करें, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। आई थिंक आप क्वेश्चन को 5-10-15 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए 2010 का एक क्वेश्चन है, ये 2010 पेपर 1 का मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन है? द 59th टर्म ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449 टर्म ऑफ एन एपी इज 59, देन व्हिच टर्म इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो मैंने इस तरह का एक कांसेप्ट बताया था। अब क्योंकि मैं समझाता हूं इसलिए ऑब्वियसली स्टेप्स लिखूंगा, पर आपके पास आप डायरेक्ट करेंगे देखते ही आप 59 और 449 को ऐड कर दीजिए तो 9+9 8 आंसर हो गया 508। कंप्लीटली ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों से टाइम सेव होता है। अब जैसे 59 टर्म बताना है तो 59 टर्म दिया है 449 एंड 449 टर्म दिया है 59। याद होगा आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था थ्योरी में, ये pth टर्म इज q, qth टर्म इज p। अगर ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो रहा है तो P प्लस Q टर्म हमेशा 0 होगा और इस केस में nth टर्म, ये इस केस में nth टर्म अगर कभी पूछा जाए तो P प्लस Q माइनस n होगा। तो आपसे अगर देखा जाए तो एक तरह से 0 पूछा है तो दोनों का एडिशन जब आप करेंगे तो 508 टर्म इज 0। तो आपने देखा क्वेश्चन कितनी क्विकली आपने सॉल्व किया, राइट? नो डाउट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज, अरिथमेटिक मीन इज 27, ज्योमेट्रिक मीन इज 12, सॉरी हार्मोनिक मीन गिवन है, हार्मोनिक मीन इज 12 रिस्पेक्टिवली, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये पूछा है। अब देखिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। इसका मतलब 27 इंटू 12, राइट? 27 इंटू 12, इसका मतलब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 27 इंटू 12 स्क्वायर रूट निकालने में कभी भी टाइम लगे तो 9 इंटू 3, 12 3 जा 36, तो 3 इंटू 6 में 18। तो केवल सिंपल आपको बताया, बहुत जल्दी कर सकते थे उसको, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए 2010 का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो। अब इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी में मैंने आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन बहुत करवाए हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करवाए थे और प्रोग्रेशन में भी, बिकॉज ये मिक्स पार्ट है। अब इसमें करना क्या होगा वो समझना हमको। तो सिंपल सा एक लॉजिक हुआ कि बिटवीन 200 एंड 400 बोला है तो 200 के बाद पहला टर्म क्या होगा 7 का और 400 के पहले क्या होगा वो देखना है। तो आप करना ये चाहिए कभी भी, ये तो छोटे नंबर है, बड़े नंबर होते तो क्या होता वो आपको समझाना है। तो 200 डिवाइडेड बाय 7 करिए तो 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 28 पॉइंट समथिंग, राइट? तो 4 रिमाइंडर मिला, 4 रिमाइंडर मिला तो उसका मतलब ये हुआ कि 7 माइनस 4 किया तो 3, तो पहला नंबर हुआ 203 210 एंड सो लास्ट नंबर क्या होगा ये देखना है। तो सिंपल 400 डिवाइडेड बाय 7, 75 जा 35, फिर 577 जा 49, 57 पॉइंट समथिंग, राइट? और रिमाइंडर मिला, यहां पर रिमाइंडर मिला 1, 1 मिला मतलब 3, 1 सबट्रैक्ट कर दो 399, यानी फर्स्ट नंबर हुआ 203, लास्ट नंबर हुआ 399। पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ टर्म पता करना है। अब नंबर ऑफ टर्म भी आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं, कैसे? कि आप केवल, आपको 201 से लेना था 399 तक,
आप 4200 तक के नंबर्स नहीं लेते थे, तो आपने 399 में जब 7 का डिवाइड किया तो 7 5 54 77 7 7, तो इसका मतलब 1 से लेके 399 तक 57 नंबर है। 200 तक के काम के नहीं है, 200 में जब आप 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 2 14 6 7 8 28 point something, यानी 28 नंबर है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 57 में से मैं 28 माइनस कर दूं तो मुझे 29 टर्म मिलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 29 हुए। तब आप सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा, n by 2 a plus n भी लगा सकते हैं, तो 29 by 2 a plus l कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अनदर अप्रोच कि लास्ट टर्म निकाल, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें टाइम लग जाएगा, ये सिंपलेस्ट तरीका है, थ्योरी हमने कवर किया है। तो 399 equal to a plus n minus 1 into b, इसको सॉल्व करेंगे तो n कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, लेट a b c बी इन ap, a b c बी इन ap, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है 1 अपॉन ab, 1 अपॉन ca, 1 अपॉन bc, r in ap, ट्रू फॉल्स बताना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, मेथड भी बताता हूं, लॉजिक भी बताता हूं। एंड स्टेटमेंट 2 है 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए, 1 अपॉन, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोलूंगा मेथड से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं आर इन एपी। बाकी अगर ये क्वेश्चन लेंथी होता तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा बोला जाए ए बी सी, आपसे बोल सकते हैं एपी में तो आप ए लो 1, बी लो 2, सी ले लो 3, कई बार 1 से दिक्कत होती है तो 2, 3, 4 भी ले सकते हैं। यही बात जीपी में होती तो आप ए को लो 1, बी को लो 2, सी को लो 4, यही बात एचपी में होती तो आप ए को लो 2, बी को लो 3, सी को लो 6। अगर कभी ऐसा बोला जाए रूट ए रूट बी रूट सी आर इन ए पी, जैसे इसमें ध्यान दें तो रूट बी है, तो सबसे अच्छे नंबर होते हैं ए ले लें 1, बी 25, सी 49, राइट। बट ये क्वेश्चन तो बिना उसके ही हो जाएगा, बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी, अगर आपको एक बात प्रॉपर्टी पता है, ए पी में किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या होगा, एबीसी बाय एबी, एबीसी बाय एबी, सॉरी सीए, एबीसी बाय पीसी, देखिए क्या बचा, सीपीए, दैट दिस इज आल्सो इन एपी, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट देखें तो देख के समझ में आ रहा है ये भी करेक्ट है, कैसे, कि अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो मुझे मिलेगा रूट सी माइनस रूट बी अपॉन अपॉन c माइनस बी, दिस इज d हो जाएगा, ये क्या मिलेगा रूट सी ए, रूट सी भी लिख सकते हैं, रूट सी माइनस रूट ए अपॉन c माइनस ए, एंड दिस इज रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी माइनस रूट ए अपॉन b माइनस ए। और याद रखिए ए बी सी अगर ए पी में है तो b माइनस ए होगा d, राइट, c माइनस ए होगा, c माइनस बी होगा t, बट c माइनस ए बोले तो 2d, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2d है, इसका मतलब ये भी ap में है। आप ap की कंडीशन से चेक करेंगे तो बोथ हमारे ap, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, p tan का pth टर्म ऑफ एन ap इज q tan का qth टर्म, then what is the p plus q term? देखिए क्या बोला है, p times the pth term, p times the pth term of an ap is q times the qth term, okay, equal in it, q times the qth term, then what is the p plus q term, ये पूछा गया है, right? अब इसका मतलब आपसे एक तरह से ये पूछा गया है, क्या क्या, फर्स्ट टर्म ए,
प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इसके इक्वल होगा। अब अगर ये पूछा है तो क्या करेंगे, देखिए समझिए, इसको आपको बताना है इससे कैसे निकालेंगे सिंगल कंडीशन से वैल्यू। तो p टाइम्स ऑफ p टर्म इज a प्लस p माइनस 1 इनटू d इक्वल टू q टाइम्स ऑफ a प्लस q माइनस 1 इनटू d। मल्टीप्लाई करूं तो ये a और a कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो p माइनस ऑफ q प्लस d को वहां ले लेते हैं कॉमन, तो q माइनस 1 q स्क्वायर माइनस q, q स्क्वायर माइनस q माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी, तो प्लस हो जाएगा ये, राइट right? समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू डी, इसमें से अगर हम देखें तो एक काम ये कर सकते हैं, ये पी माइनस क्यू है, ये पी माइनस क्यू है, और इसमें माइनस कॉमन ले तो पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू मिल जाएगा, राइट right? p माइनस क्यू थ्रू आउट कैंसिल, तो a की वैल्यू एक तरह से आ गई d टाइम्स ऑफ 1 माइनस p प्लस q, राइट। a के प्लेस पर अगर मैं ये रख दूं d इनटू 1 माइनस p प्लस q प्लस, अब देखिए आपस में कैंसिल, तो आंसर विल बी जीरो।